हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान एक एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म करने जा रहे हैं। इनके साथ नजर आएंगे रितेश देशमुख, जिन्होंने एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्में दी हैं। अब पहली बार दोनों स्टार एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं और फिल्म का नाम है वेद। तो दोस्तों आपको बता दें कि रितेश देशमुख और सलमान खान पहले भी कई बार अवार्ड शो में एक साथ नजर आ चुके हैं और फैंस को खूब इंटरटेन करते भी नजर आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वेद फिल्म मराठी फिल्म है जिसे रितेश देशमुख खुद ही बना रहे हैं। और ऐसा क्या खास होने वाला है फिल्म में और कौन कौन से स्टार इसमें नजर आने वाले हैं और कब ये फिल्म देखने को मिलेगी, साथ ही फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है, आज हम आपको हमारी इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि वेद फिल्म को रितेश देशमुख खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं और जब रितेश ने सलमान को फिल्म के बारे में बताया तो सलमान फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। इसकी वजह यह है कि रितेश और सलमान का रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई जैसा ही है, इसलिए दबंग खान फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए। अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो ये फिल्म एक लेबर की लाइफ और लेबर कानून पर बेस्ड है जिसमें ये दिखाया जाएगा कि एक मजदूर की लाइफ में क्या क्या गलत होता है। बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो फिल्म में मुख्य भूमिका में रितेश देशमुख और उनकी वाइफ जेनेलिया डिसूजा नजर आने वाले हैं। ये फिल्म एक मराठी फिल्म है तो इसकी कहानी महाराष्ट्र के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। फिल्म की कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई हैं, जिसमें सलमान खान और रितेश देशमुख मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें फिल्म के रिलीज डेट की, तो आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो गई है और इसी साल अक्टूबर तक ये फिल्म देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की हिंदी डबिंग को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो दोस्तों आप कितने ज्यादा उत्साहित हैं रितेश और सलमान को एक साथ फिल्म देखने के लिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल अनकट सिनेमा को सब्सक्राइब करना न भूलें।